अबे देखिए फ्रेंड, 9 बार मैंने बना लिया। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धारियाँ हमारी ऐसे आएंगी। ये तो हमारा ये 9 बार डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम ये वाला डिज़ाइन इसमें बनाएंगे। तो ये वाला डिज़ाइन 11 11 के मल्टीपल से बनेगा और 2 फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम 10 फंदे बटन पट्टी के बना लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 और 10वां फंदा हम स्लिप करेंगे। इसके बाद 2 फंदे हम पहले उल्टे बनाएंगे। देखिए, यहाँ से डिज़ाइन हमारा स्टार्ट होगा। जैसे बीच में 2 फंदे हैं, ये उल्टे बनेंगे। अब धागा पीछे करेंगे। अब 3 फंदे का हम एक बना देंगे यहाँ पे, ऐसे 3 का 1 हो गया। 1 फंदा हम सीधा, फिर जाली बनाई, 1 फंदा सीधा और फिर जाली बनाई, 1 फंदा सीधा और इस साइड से भी 3 का 1 बना देंगे ऐसे। तो देखिए, 2 उल्टे 2 उल्टे, फिर 3 का 1 करा, 1 फंदा सीधा। इस फंदे पे दोनों साइड जाली बनाई, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 3 का 1, फिर धागा आगे। अब 2 फंदे हम बीच में गैप के जो है, ये बीच बीच में हमने दे रखे हैं, ये उल्टे उल्टे हैं। तो इस साइड से अब 3 फंदे का 1 ऐसे कर देंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे। अब इस फंदे पे दोनों साइड जाली, ये जाली बनाई दोनों साइड, 1 फंदा सीधा। अब इस साइड से 2 का 1, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 का 1 करेंगे और 1 फंदा सीधा बनाएंगे। जाली बनाई, फिर से जाली बनाई, 1 फंदा सीधा। अब यहाँ से फिर से 3 का 1 बना देंगे, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। ये यहाँ पे उल्टे बनेंगे और उल्टी साइड से ही सीधे बनेंगे। तो 2 फंदे उल्टे, फिर हम 3 का 1 करेंगे, 1 फंदा सीधा, धागा लपेटा, जाली बनाई, 1 फंदा सीधा, फिर जाली बनाई, 1 फंदा सीधा बनाया और 3 का 1 इस साइड को, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। ऐसे 3 का 1 बना लिया, 1 फंदा सीधा। इस बीच वाले फंदे पे दोनों साइड जाली बनेंगे, जाली बनाई, 1 फंदा बनाया, फिर जाली बनाई। अब 1 फंदा हम सीधा बनाएंगे और 3 का 1 इस साइड को ऐसे कर देंगे, धागा आगे। अब लास्ट के फंदे 2 3 4 5, यहाँ पे हम आधा डिज़ाइन बना देंगे, पूरा नहीं बनाएंगे। जैसे जाली से इस साइड को हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए, 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए, 3 का 1, फिर 2 फंदे उल्टे। तो यहाँ पे हम 3 का 1 बना देंगे और जाली और 1 फंदा सीधा। अब देखिए, तो आधा डिज़ाइन हमने बना दिया। अब उल्टी सिलाई पे जो उस साइड हमने 2 फंदे उल्टे बनाए हैं, वो यहाँ पे हम सीधे बनाएंगे। यहाँ पे हमने 2 फंदे सीधे बनाने हैं। 1-2 सिलाई में मुश्किल होगी, फिर दिख जाएगा। अब देखिए, 7 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 7 उल्टे, 2 3 4 5 6 7, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 7 उल्टे। यहाँ पे 9 फंदे हमारे आएंगे बीच में, पर अभी हमारे फंदे घट गए, 3 का 1 करा हमने, तो वहाँ पे हमारे फंदे घट गए हैं।
अभी अगली बार में पूरे हो जाएंगे। दो फंदे सीधे, धागा आगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, दो फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, ए स्लिप करा हुआ फंदा, इसको भी हम उल्टा बना देंगे ऐसे, सभी फंदे उल्टे। तो दो सिलाइयाँ हो गई, छः सिलाइयों में हमारा ये डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो दो हो गई, अब तीसरी सिलाई देखिए ध्यान से। ये दस फंदे तो पहले हम बना लेंगे, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, और लास्ट का है स्लिप करेंगे, धागा आगे। अब देखिए दो फंदे हमारे उल्टे, तीसरी सिलाई देखिए, अब दो फंदे हमारे सीधे आएंगे। ये देखिए ये तीन हमारे जाली वाले हैं, जो इस पे हमने दोनों साइड जाली बनाई, तो दो के साथ पहले हम जाली बनाएंगे, फिर तीन फंदे हम सीधे बनाएं, फिर जाली बनाएंगे और दो फंदे हमारे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बनाए, फिर जाली बनाई, तीन फंदे सीधे, फिर जाली बनाई, दो फंदे सीधे, और देखिए दो फंदे उल्टे। तो पूरी सिलाई हम ऐसे बना देंगे, तीन फंदे सीधे, जाली बनाई, देखिए तीन फंदे हमारे सीधे, जाली बनाई, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो सीधे, जाली बनाई, तीन सीधे, फिर जाली बनाई, दो फंदे सीधे, देखिए दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक दो सीधे, जाली बनाई, तीन सीधे, एक दो तीन, फिर जाली बनाई, दो फंदे सीधे, अब बीच के दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, जाली बनाई और ये सीधा। अब उल्टी सिलाई में जो फंदे हमारे सीधे हैं उनको सीधा बनाएंगे और जो उल्टे हैं उनको उल्टा। ये देखिए तीन चार, ये देखिए यहाँ पे अब दिखने लग गए हैं, तो इन दो को हम सीधा बना देंगे, एक दो चार पाँच छ सात आठ नौ उल्टे, ये दो सीधे हैं, तो पूरी सिलाई में बना लेती हूँ, नौ उल्टे दो सीधे, फिर अगली दिखाती हूँ। अब पांचवी सिलाई देखिए फ्रेंड, आधा डिजाइन हमारा बन गया, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दसवां फंदा हम स्लिप करेंगे। अब ये दो फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, देखिए अब ये जो हमारी सिलाई रहेगी ये नौ फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, नौ फंदे सीधे, छ सात आठ नौ, दो फंदे उल्टे। तो पूरी सिलाई में ऐसे बना लेती हूँ, फिर उल्टी दिखाते हैं। अब उल्टी सिलाई देखिए और लास्ट सिलाई, दो तीन चार फंदे उल्टे, दो सीधे, अब दिखते जाएंगे ये वाले फंदे फ्रेंड, और नौ हमारे उल्टे, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, अब देखिए दो सीधे हैं तो इनको हम सीधा बनाएंगे। तो पूरी सिलाई ऐसे बना लेती हूँ मैं, फिर ये देखिए आगे वाला डिज़ाइन आपको बनाना बताऊँगी। अब देखिए फ्रेंड, छह सिलाइयों का हमारा डिज़ाइन एक कंप्लीट हो जाता है।
अब मैं दूसरा डिज़ाइन आपको बनाना बताती हूँ कैसे हमने स्टार्ट करना है। जैसे हमने पहली सिलाई बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दसवां हमने स्लिप करना है। तो अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होता है। दो फंदे हमने उल्टे बनाए धागा पीछे। अब यहाँ पे तीन का एक करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब इस बीच वाले पे दोनों साइड जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा। फिर से हमने स्टार्ट कर दिया है बनाना। पूरे हमने वैसे ही छः छः सिलाइयाँ बार बार इसके ऐसे ही रिपीट करते जाना है, तो ये बहुत ही सुंदर सा हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। एक बार हमने इस साइड से करना है दो तीन का एक, और एक बार आगे के साइड से। तो उल्टी सिलाई वैसे ही सात उल्टे दो सीधे, सात उल्टे दो सीधे, अगली बार फिर नौ उल्टे दो सीधे। तो इस तरीके से आप बार बार एक चार चार सिलाइयाँ सॉरी छः छः सिलाइयाँ बनाते जाएंगे, तो ऐसे हमारी ये सुंदर सा डिज़ाइन बनता जाएगा। और देखिए बैक पार्ट है, इसकी लेंथ भी मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ तक हमने 18 इंच की लेंथ रखी है और यहाँ से आगे फिर हमने ये 10 इंच रखी है। और पूरे डिज़ाइन में आपको बता देती हूँ ये वाले डिज़ाइन के ऊपर कितने बनाए हैं। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस डिज़ाइन बनाए हैं। तो ऐसे आप इसकी लेंथ भी कंप्लीट कर लीजिए। और ये ऊपर मुंडे की, तो इसके ऊपर हमने जो यहाँ से हमने मुंडे घटाए हैं दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह डिज़ाइन हमने मुंडे के ऊपर बनाए हैं। तो इतना आप ये बना लीजिए ये दोनों साइड। इस वाली साइड से भी हमने ऐसे ही करना है। यहाँ पे चाहे आप ये जो हमारे पांच चार फंदे बचेंगे इनको आप उल्टा उल्टा भी बना सकते हैं, नहीं तो आधा डिजाइन भी बना सकते हैं जैसे मैंने ये बताया। अगर उल्टा उल्टा बनाना है तो पहले यहाँ पे चार फंदे उल्टे बना लीजिए, फिर तीन का एक, वैसे ही डिजाइन नहीं बनाते जाइए, और ये दस फंदे वैसे ही। तो इन दोनों की लेंथ मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे वाली वीडियो में मुंडे की कटिंग आपको करना बताऊंगी और कैसे कैसे आगे हम इसको फुल बाजू हमने बनाना है। तो इतना आप बना लीजिए, फिर दिखाऊंगी आगे।